जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंध महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। अरे भैया लल्लू राम, आज बड़ी जल्दी पूजा खत्म कर ली तेने। अजी अपनी वो शोभा बहन की शादी है ना, बारात आ चुकी है, सब रो काम तो मोई संभाल लो ना जल्दी में। राम 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 राम। पूरी तो सीखी चुकी है। अरे तुम लड़की के बापो यहाँ का कर रहे हो, माँ जाके बारात है। देखो हाँ, बस लल्लू आ जाए, वो सब संभाल लो, फुर्सत मिल जाएगी। हम आ गए भैया जी, तुम जाओ। देखो जब तक हम न पहुँचेंगे हमें मालूम है कछु काम ना होगा। मौका देख रहे हो, जल्दी काटो सब जिनको। अरे पूरी सेक तू नेक्सा। अरे लल्लू भैया अभी तक दही बूढ़ो नहीं आया। आ जाएगा मामा, आ जाएगा। तुम्हारी उंगलियां में चोट लगी, तुम आराम करो जाके। इतने सारे आदमी पर काम करवाए तुम यो अकेले लल्लू भैया। अरे शादी भैया ने करे, तू करेगी। तू जल्दी जाके सुबह तैयार कर, फिर इनको मत ठहरो। आप मेरी हैसियत को तो जानते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ? वो सोचो तुम्हारा काम है। आज बारात वापस जावे तो कल 10-10 हजार वाले की लाइन लग जाएगी। मैंने तुमसे 5 हजार ही मांगे हैं, देख लियो। लाला जी, जी कैसी अनहोनी बात है रही है। अरे हमारी शोभा बहन तो लाखिर में एक है, बिल्कुल लक्ष्मी। वो तो मैं तब मानू जब लक्ष्मी का चूठ भी लेके आवे, वरना मेरी मजबूरी। लाला जी बारात मंडप से तो वापस ना जाएगी। पंडित जी आप हिरण की तैयारी करो, मैं अब हाल आवत हूं। जी कौन है? जी लल्लू राम है, जाके कोई ना है, जी सबको अपनो ही समझ तो है। अरे लल्लू एक बात बता, कुआ देखो है कभी? हाँ जी। कुआ में का हो तो है पानी, और तू चाहतो है 5 हजार उठा के पानी में डाल दो? नहीं सेठ जी। फिर तोकू देनो पानी में फेंकनो, एक ही बात है। तू वापिस कैसे करेगा? सेठ जी मैं दिन रात आपकी सेवा चाकरी करूंगा, आपके खेत में, आपकी दुकान पे, आपके घर में, छोटो बड़ो जो काम कहोगे मैं करूंगा। करेगा? हाँ सेठ जी, ये लल्लू की जबान है। मैं बजरंग बली की सौगंध खा के कहतूं कि ढोर दंगर की तरह दिन रात आपको काम करूंगा। तो ठीक है, मैं बेहिसाबी बात ना करूंगा। 2500 रुपया साल के हिसाब से 5 हजार के भाई 2 बरस। हाँ जी 2 बरस। और फिर 5 हजार की ब्याज 6 महीना बाकी, बाकी ब्याज के सूद के 3 महीना, कुल मिला के भये 2 बरस 9 महीना। मंजूर? हाँ जी मंजूर है मोकू। तो ले 5 हजार रुपया और आजा कलते काम पे, मैं बेहिसाबी बात नहीं करूंगा। बहुत मेहरबानी सेठ जी आपकी, आपने 5 हजार रुपया दे के सबरे गांव की इज्जत बचाई है, भगवान आपका भला करें। वारे लल्लू राम। बन कर जलने से जिन्हें सुख होता है, जिनका अपना कोई दर्द नहीं, सबके दुख से दुख होता है। शहनाई बजे जहां उस घर से, सुनी लौटे बारात नहीं, पगड़ी न किसी की नीची हो, बिगड़े न किसी की
कन्यादान नहीं, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो अवतार नहीं भगवान नहीं। पर ढूंढो तो इस दुनिया में उनके जैसे इंसान नहीं, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो अवतार नहीं भगवान नहीं। रघुनाथ मम संकट भारी। अरे लल्लू, सारा काम खत्म करके घर आ जाइयो। सर जी, वो कल राखी है। राखी? हाँ जी। जामे तेरा क्या? जी वो सबरे गांव की छोरी तो मेरी बहन है, कल छुट्टी चाहिएगी सेठ जी। है? हाँ जी। देख लल्लू, छुट्टी उट्टी की बात तो तय भैना है, कल राखी, फिर दशहरा, फिर दिवाली, फिर होली, हर त्योहार पर छुट्टी मांगे तो मेरी छुट्टी है जाएगी। वैसे तो लल्लू तू काम चोर ना है तो एक दिन की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन छुट्टी के बदले में जो हमारा नुकसान होएगा, बाकी बदले में एक दिन और। मेरा मतलब है एक दिना के बदले तीन दिना, समझ गया हो ना? मैं बेहिसाबी बात नहीं कर रहा सेठ जी, मैं मंजूर है। तो ठीक है, राम राम। सारी छोरी बहन बना रखी है गांव की। अरे अशोभा, कितने देर लगा दी भैया, कब तक इंतजार कर रही हूँ? अरे भाई बहुत बहने हैं, का करूँ, सब ते राखी बंधवानो है, देर तो है ही जाते है। हाँ बांध जल्दी, तो है। हनुमान बाबा खुश रखे तो। अरे कहाँ मर गई है कलमुही, सवेरे से राखी को बहानो लेके बैठ गई है और यहाँ भैया मरी जा रही है घोटून के दर्द के मारे। अरे मौसी, त्योहार बारकू तो कभी मीठा बोल लेकर, हर वक्त करुआ ही करुआ बोलते तू तो। अरे बेटा,
कहा कड़वो और कहा मीठो। मेरो मोह तो बा दिना मीठो होएगो, जा दिना या करम जली है घर ते धर्म धक्का दूंगी। हाँ और सुन, देख जाते पहले कि ये कम वक्त कहूँ जाके अपनो मोह कारो करावे, जाके हाथ पीरे कर दे। हाँ कर दूंगा कर दूंगा, धीरे बोल। ये घोर डूंगा। अरे गौरी दरद। हा हमारी बहनिया चोरो बद है, जाकी बात को बुरा मत मानो कर, जाके तो जा कांदे सुन के जा कांदे निकार दे कर। बेचारे बड़बड़ावत रहते हैं और घोटन में तकलीफ रहते हैं, चिड़चिड़ाई गई है। भैया अपना समझ के कोई दो हाथ मार दे तो बुरा नहीं लगत, पर कोई अपना ना समझे और दिन रात। सच्ची भैया कभी कभी तो मन में ऐसे आवत है के चल मन में आवन लगी कल की छोरी के, एक पड़ेगा उल्टे हाथ को तो सब उल्टा सीधा आना भूल जाएगी। चल राखी बांध। नहीं बांधती। हम समझ गए। अच्छा अगले साल तो पहली राखी तोते बनवाएंगे, अब बांध। जल्दी खिला, पूरा खिला दे, खिला खिला। आओ रामू, काले गाड़ी से राखी क्यों नहीं बनवाई? ये मेरी सौतेली बहन है, सगी बहन थोड़ी है, क्यों बनवाऊं राखी? अच्छा क्यों बनवाओगे बच्चे? चल राखी बांध गौरी। अच्छा मैं जा रहा हूँ, जा राखी बांध। अरे ले उरी मटका ले ओ, अरे ले उरी मटका ले ओ, अरे ले उरी मटका ले ओ। जीजी जीजी का? का आज मैंने तीन घड़ा तोड़ दिए। अच्छा तो फिर निकालो कमीशन के 30 पैसा। अरे जा बोनी ना बताओ, बिकने तो दे पहले। अरे एक बार ही है। अरे ओ चंपा, तू कैसी मिट्टी के मटका बनावा थे जो टूक टूक है जात है। हर चीज की उम्र होता है मौसी, आदमी चलतो चलतो लुढ़क जाते है। अब लेओगी भी या बातें करोगी? दो अच्छे से दे दे पर भाव ठीक बोल। वैसे तो तीन को बेचती हूँ, चलो तुम दो ही दे दो। मट्टी को मटका बहु 2 रुपया को ले, 2 मटका दे दे ले। ला आमंदे 20 पैसा। ले ये छुटका ने गुलेल तो दे। चौंका भयो, मटका मटका तो मैं फोरूंगो। मटका नहीं रे लटका है, दे दे ला। ठहर तो अमरूद। वाह बजरंगबली वाह, आपकी माया अपरंपार। अरे आम के पेड़ पे थे अमरूद, महाप्रसाद है हनुमान जी को। बहुत स्वाद है महाराज, राखी का दिन बहुत अच्छा प्रसाद है। पूरो भरतपुर को भगत है। छुटकू नेक पत्थर ले जा, अरे बेचारे की खोपड़ी फूट जाएगी, जेले नक बड़ो। चल ठीक है। वाह लीला पे लीला, पहले तो बूंदा बांदी कर रहे और अब ओले ये बड़े बड़े अमरूद। वाह महाराज वाह, जबरदस्त प्रसाद है। छुटकू तू संभाल, मैं अभी आती हूँ। अच्छा। अमरूद खाए मेरो राम, क्यों मिठो है ना तेरा होका। हाँ। अरे हम तो बजरंग बली को प्रसाद समझ के खा रहे। अरे 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 फेंको चौ, मुझे दे दे तो मैं तेरे प्रसाद समझ के खा लेती। तन की भूख और मन की प्यास दोनों बुझ जाती। देख चंपा देख, कुआरी छोरी के जिल अच्छे ना अच्छे ना है, हम बताएं तू अपनो घर बसाई ले, काऊ को हाथ पकड़ ले। कौन को हाथ पकड़ूं बोल? अरे जो तो पसंद है को हाथ पकड़ ले, हम तो क्या पूछ रही है। तू मुझे पसंद हो? हाँ। अच्छा तो ले पकड़ ले।
देने तो मेरा हाथ पकड़ लो। तेने तो कही ना कि जो दोहे पसंद बा को हाथ पकड़ ले। मैं तू पसंद। अरे पर मैं तो हनुमान जी को भगत हूँ, बाल ब्रह्मचारी। मेरे तो मन में औरत को बेचारा आना घोर पाप। और मैं भी औरत की जात। एक बार जाको हाथ पकड़ लो, बाग के सिवाय कब दूसरे मरद को विचार भी मन में लाइबो तो घोरते घोर पाप। ची ची ची। अरे फिर तो तू कुआरी ही रहेगी और कुआरी ही जिएगी और कुआरी ही मरेगी। रही है काहे छेड़, बिगाड़ो मैंने अरी अरी बिगाड़ो मैंने तेरो। मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संग, ओ मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संग। यही है सन, अरे अरे यही है सन प्रण मेरो, ओ मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संग। मेरे सपने में आए महाबली हनुमान। क्या बोले? अरे रात मेरे सपने में आए महाबली हनुमान। बोले मैंने ब्याह न किलो तू बिना की जो नादान। वो क्वारे जिनको अरी अरी वो क्वारे जिनको मैं चेरो। ब्रह्मचारी को रही है काहे हजारों तो मैं बस यही काम। ये भी तो जरूरी काम है। करने हैं मोए काम हजारों तो मैं बस यही काम। ब्याह करन को तो मिलो हूँ मैं ही अकेलो लल्लू राम। मोही को तैने अरी अरी मोही को तैने आए घेरो। ब्रह्मचारी को रही है काहे छेड़। Thank you.
बेचारी को रही है काहे छेड़, बिगाड़ो मैंने अरी अरी बिगाड़ो मैंने कांचेरो। मैं तो जीऊंगी मरूंगी तेरे संग, यही है सुन, अरे अरे यही है सुन प्राण मेरो। ब्रह्मचारी को रही है काहे छेड़, मैं तो ये क्या देख रहा हूँ, ये कैसी अनहोनी, अरे ये क्या जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती की शादी नहीं होगी। ए पंडित, जान प्यारी है? जान तो प्यारी है बहुत, लेकिन शादी करवाता हूँ, करवाता हूँ। लड़की इधर आओ, लड़का इधर आओ, अरे जल्दी आ जा भैया। अरे बैठ। ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसा अनर्थ देखा न सुना स्वाहा, डाकू बदमाश छोकरी से जबरदस्ती शादी करते देखे स्वाहा, लेकिन छोकरी छोकरा के संग जबरदस्ती शादी करे स्वाहा। ओम शांति, घोर करियो घोर करियो। मर्द करे सो ठीक और औरत करे तो घोर कलयुग। या भगत के पीछे का मैं सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी। चल जल्दी कर, नहीं तो मेरी शादी से पहले तेरी अर्थी उठवाऊंगी। करवाता हूँ करवाता हूँ, आसन ग्रहण करो। वो तो है, वो तो है गठबंधन। अरे वो भी करवाता हूँ, गठबंधन भी करा देता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, जबरदस्ती और अनर्थ। हे भगवान दीन बंधु दीनानाथ। अब फेरे फौरन, अभी करवाता हूँ फौरन भैया, फौरन खड़े आ जाओ लड़का लड़की, खड़े आ जाओ। चलो जी। अरे उठो, इन्हें तो खड़ा भी करना पड़ता है। पंडित जी तुम मंत्र पढ़ो, मैं फेरे करवाती हूँ। इस कलयुग में ये क्या हो रहा है, हे भगवान इन्हें भगाओ हमें बचाओ, हे भगवान इन्हें भगाओ हमें बचाओ। बस ओम शांति ओम आशीर्वाद। पुत्रवती हूँ, सौभाग्यवती हूँ। नहीं पंडित जी नहीं, ये तो जबरदस्ती की शादी है। मैं तो हनुमान जी को भक्त हूँ, बाल ब्रह्मचारी। अब तक थे, अब नहीं रहोगे। अब तुझे पंडित जी ने आशीर्वाद दियो है, बाकी तैयारी करो। चलो राम, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जी अपना नाम सुनावे। दरवाजा खोलना। हे बजरंगबली अपने भक्त की रक्षा करो, बाल ब्रह्मचारी हूँ मैं। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलना। मैं ना खोलूंगो। दरवाजा खोलना। ना खोलूंगो। अच्छा ये बात है। हाँ। चंपा दूध पहले पिएगो या बाद में, का मतलब? चंपा मुझे माफ कर दे, मैं ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी। देख मैं बजरंग बली क्या भगत की इज्जत अब आपके हाथ है। अरे ये तो सपना हूँ। हे बजरंग बली तुमने मेरी इज्जत रख ली, नहीं तो गांव बारन को मुंह दिखावे लागना रहे तो सब थू थू करते। मुझे भूल गए सावरिया, भूल माता जी राम राम। अरे मुझे माता जी कहता है, अरे मैं तो तेरे होने वाले छोटे लल्लू राम की माता जी हूँ। तुम पागल हो गई हो का? पागल तो मैं उसी दिन से हो गई थी जब तूने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर आज मेरा ये हाल कर दिया। अब मैं दुनिया में किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती। मेरे स्वामी मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो। अरे नहीं, अपने गलती
गलती भई है, मैं वो ना हूँ, वो कोई और होगा। नहीं, तुम वही हो, गांव वालों, तुम लोग सुन रहे हो। अरे बहन जी, आप सुन रही हैं, बुआ जी, आप सुन रही हैं, ताऊ जी, आप सुन रहे हो। राम, कहाँ भयो? कौन है जी औरत? मोइना मालिम जी कौन है? बहन जी, मैं बताती हूँ। ये मुआ मुझे अलीगढ़ की नुमाइश में मिला। इसने मुझे बहला फुसला के मंदिर में शादी कर, और बाद में ये देखिए, मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये बोलता है मैं इसका बाप नहीं हूँ। बगला भगत, तू यही के चक्कर में तुम होते ब्रह्मचारी को नाटक कर रहे हो। बहन, ये ढोंगी है, पाखंडी है। आप बताइए मैं क्या करूँ, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इस पाप के मटके के लिए कहाँ जाऊँ? मटका, तुम मरद की जात हो गई ऐसी हो। अब पता लगो है तेरी असलियत को। कड़ी खाए ब्रह्मचारी बने बोल तो। कौन है चुड़ैल तू? अरे झुमरू तू? हाँ मैं हूँ बहरूपिया झुमरू लाल। कैसा रहा मेरा कमाल, काली टोपी लाल रुमाल। सास ससुर की छोड़, जरा उनके बेटे की तो बता। जाकी आंखें की चमक देख के तो ऐसा लगा तो दिन रात सतावत होएगो। चौ सोवा दिन में तो काम पे जाते हैं। बड़ी बुरी बात है। चुप, मत काम पे जाइए, मैं बुरी बात का है? अरे जब तेरी शादी होगी ना, तब तो पता चलेगा। अरे चुप रहो, आगे से दादी आ रही है। अरे दादी अम्मा, तुम्हें भी अभी आना। अरे तो का है गो, दादी अम्मा को जवानी ना आई, तुम्हें आई है। अरे मामा मैं चलती हूँ। छोड़ी तो ब्याह लायक गई है। कोई कब तक खड़ो है, काऊ की बलाते? छूटो है कोई, आराम से साइकिल पे बैठो है और कहते है कि खड़ो है। पर क्यों बैठो है, कौन के लिए बैठो है? हमें का मालूम। तो फिर एक बात सुन लो हजूर, वो गरीब आपसे प्यार करता है। आपको देखे भी ना, वह नाश्ता पानी खावो पीवो कछु हजम ना है। क्यों, यकीन ना आ रहा? बाकी पिता तो तुलसीपुर गांव के चौधरी हैं, इलाज नहीं कर पाते अपने बेटा को। बाको इलाज तो बस एक डॉक्टर के पास है, और वो डॉक्टर इलाज करना ना चाहत। बीमार की बीमारी बढ़ती जा रही है। कहूं ऐसा न हो कि बीमारे कछु है जाए और ऐसा ना कहत। गौरी, वो कभी कभी ऐसा लगता है जितनी बेचैनी मोए रहते मिलवे की उतनी तो ना है। ये बात नहीं है शंकर, फर्क बस इतना है, तुम लड़का हो बोल सकत हो, और मैं लड़की बोल नहीं सकत। ऊपर ते गांव की शर्म और माँ की बीमारी। जब अजय ना है बहानो है। शंकर, अपनी जिंदगी में मैंने बस तुम्हें एक को अपना सब कुछ मानो है। गौरी, शंकर, गौरी, बहुत देर है गई, माँ नाराज होगी, अब मैं चलूं? तुम्हारे गांव में रात को नौटंकी है रही है, मिलोगी ना? कोशिश करूंगी। तुम्हें मेरी किस्म, नहीं आओगी तो दूसरे दिन मैं मुर्दा देखोगी। हाँ छोरा अगर अकेले हंसे तो समझो के पागल, और अगर छोरी अकेले हंसे तो समझो के प्यार है गयो, है ना? हाँ कौन हो बो? मत बतावे, चाची कोई बताई दियो कि वो साइकर बारो कौन हो। जीजी, जीजी। कब ते चल रहे हो चक्कर? काओ को बताओगी तो ना? मैं कोई डिनर आऊंगा? जब मैं हाथरस के मेला में गई थी ना। अच्छा, जब भीड़ में खो गई और मिलते ही अपनो पतो ठिकानो सब बाकू बताए दियो, और बाने चक्कर लगाने शुरू कर दिए, जय ना? पासी के गांव तुलसीपुर के चौधरी राम प्रताप को बेटा है, और बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है,
बाकी साइकिल के डंडे पे कबाऊ मत बैठियो, भगाए के ले जाएगो। हे भगवान, एक मेरी तकदीर में वो बजरंग बली को भगत लिखो है। ओ, अजी आपको मेरी अम्मा बनना है। हाँ, माँ बनना है? हाँ जी। क्यों? बात ये है कि मेरा एक लड़की से प्यार है गया। हाँ? वाकी अम्मा ना है मानते। हाँ? आपको मेरी अम्मा बन के वाकी अम्मा को मनाना है। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन कल नहीं परसों। क्यों? कल मुझे बुलंदशहर में किसी के लिए गधा बनना है, और जब मैं तुम्हारी माँ बनूंगा उस रात को अपने बाप को मुझसे दूर रखना। जी हाँ। ₹5 बयाना निकालो, चलो निकालो जल्दी करो। अरे चंपा, तुम्हें क्या कष्ट है? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन सकता हूँ, कहो तो लल्लू राम बन जाऊँ। जे मुंह और मसूर की दाल, कहो तो लल्लू राम बन जाऊँ। चुप, सुन का करनो है। हाँ। प्रेबेट काम है, जरा कान में सुन। तू ऐसा कर। अरे बाबा भोलेनाथ, सोमनाथ, शंभुनाथ, प्रेमनाथ। हाँ महाराज। बेटे, तुम्हारा नाम लल्लू राम है ना? जी हाँ, लल्लू राम है मेरा नाम। कल रात तुम्हारे माता पिता मेरे सपने में आए थे। सपने में? हाँ बेटे, वो बहुत दुखी थे। अपने माता पिता की आत्मा की शांति के लिए शादी कर ले, कल करता है आज कर, आज करता है अभी कर। महाराज ये शादी, शादी। बेटा शादी उसी से करो जो तुझे राम के नाम से बुलाती है। महाराज आपकी ये मूछ आपके हाथ में आ गई है। हाथ में आई हुई मूछ दोबारा लग सकती है, याद रखो, दोबारा लग सकती है, लेकिन तुम्हारे माता पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम शादी नहीं करोगे। माता पिता के बच्चा, पहले ये बता कि तो कौन ने भेजो यहाँ? चंपा ने। चंपा ने? कितने पैसे देवाने? ₹5 दिए थे। और मैं तो कुछ ₹10 दूं तो वहां को चेक करवा की शादी कहीं और करा देगा? फिकर मत करो, मैं इसकी शादी तुम्हारे बाप के साथ करवा दूंगा। चुप। नहीं नहीं, किसी और के बाप के साथ करवा दूंगा। का कहो? मेरी शादी मेरे बापन से करवाएगा? हां बेईमान। इधर लल्लू, उधर लुगाई, इधर कुआं, उधर खाई, जुबरू की शामत आई। अरे शामत जरूर आएगी। पैसा निकाल, पैसा निकाल, चल मेरा। अरे निकालता हूं, चलो चलो निकालता हूं। अरे भागो, जुबरू के बच्चे। बचपन से मजनू मियां थे रंगीन मिजाज, लैला से कहने लगे कर बुलंद आवाज। क्या कहने लगे? तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, अपनी चाहत का दिल बर बया क्या करूँ। याद आती रहे शक्ल भोली तेरी, याद आती रहे शक्ल भोली तेरी, मैं तो लैला ही लैला पुकारा करूँ, मैं तो लैला ही लैला पुकारा करूँ। याद आती रहे शक्ल भोली तेरी, जो तेरी जुस्त जू
रोज लैला की गली में कैसे देता था सदा, भीख दे उसका भला और जो न दे उसका भला। तो सुन के इस आवाज को लैला जो दर पे आ गई, भीख देना दूर था मजनू से कासा ले लिया। बोल मजनू बोल, तुझको चाहिए खैरात क्या, मैं हूँ खुद तुझ पे निछावर, माल जर की बात क्या। भीख देनी है तो अपने जलवों की दे, भीख देनी है तो अपने जलवों की दे, सोना चांदी मैं ले कर बता क्या करूं, सोना चांदी मैं ले कर बता क्या करूं। याद आती रहे शक्ल भोली तेरी, जल्द मिटाए सच्चे प्रेमी सच्चे आशिक मिट कर ही मिल पाए। हमसे मुतासिर हो के प्यार के जाएंगे दीप जलाए, बाद हमारे अपने किस्से जाएंगे दोहराए। तू सनम मान कर मुझको चाह करे, शक्ल भोली तेरी। याद आती रहे शक्ल भोली तेरी, मैं तो लैला ही लैला पुकारा करूं, मैं तो लैला ही लैला पुकारा करूं। याद आती रहे शक्ल भोली तेरी। भाइयों और बहनों, अभी आपने नौटंकी में लैला मजनू का तमाशा देखा, अब आप बहरूपिया झुमरू लाल का कमाल देखिए, जलाल देखिए, चाल देखिए, ढाल देखिए और ये तलवार देखिए। ये वो तलवार है जिसका इस्तेमाल सिकंदर ने पोरस के सामने किया था और वीर अमर सिंह राठौर ने महाभारत की लड़ाई में किया था।
और अब इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, देखिए। हमारा ऐसा अकेलो मिलना ठीक ना है। तू घबराए मत, आज तो तेरो जो डर जो झिझक सब हमेशा को खत्म कर देता हूँ। कौरी, चार दिन मैंने तो देखो, पाई दिन तो मैंने तो अपनी दुल्हन बनावे को प्रण कर लिया। ऐसे नहीं होते। सिंदूर पति की जिंदगी की निशानी होते है। तेरी मांग में मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत लग रही है। गौरी, तू मेरी है ना? ठीक नहीं पगली, जे तो पति पत्नी को धर्म है, दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं, एक तन एक जान है जाते हैं, और अब तो तू मेरी अर्धांगिनी है। इधर कौन है? नहीं शंकर, शंकर कौन है अभी तक? हम पूछ रहे हैं कौन है अभी तक? शंकर अब कहोगे जवाब क्यों नहीं दे? जाओ, तुम जाओ। अरे हम पूछ रहे हैं कौन है? मैं गौरी। चाचा, मैं गौरी। गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? बस ऐसे ही। जय साइकिल किसकी है? बेहया है? पिटवाई आई अपने खाना चिला? बेहया क्या कर रही हो? अरे ऐसे आप बन रही हो? चाची, चाची जानते ही मार डालूं। क्या बात है? क्या है गो? अरे मोते पूछ रहा है। अरे जाके हालत देख, और ये देख बाग में सिंदूर और फूल सिगरे का वालों से। अरे गई थी नौटंकी देखने और मुंह गारो करवा के आ गई। हाँ क्या कह रही है जे? नहीं भैया, मैंने ऐसे कच्चो नहीं करो, वो मुझे शादी करना चाहता और मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। वो कौन? अरे होगो कोई आको यार, या साइकिल पर चढ़ के आया और साइकिल छोड़ के भाग गया। तुलसीपुर के चौधरी राम प्रताप को बेटा है शंकर। तो ये कैसे मालूम? गौरी ने मुझे बताया, लड़का अच्छो है राम, मैंने वो देखो है। अरे तो फिर यहाँ में हाय हुल्ला मचावे की जरूरत का है? अरे कल तुलसी पर चलेंगे, गांव वालों को भी साथ ले चलेंगे, आप चौधरी अपने राम प्रताप सिंह से बात करेंगे छोरी की शादी की। अच्छा तो जी बात है जी। भाई हमें जी रास्ता मंजूर है। अजी सुनते हो, देखो मारे मुन्ना है, देखे बारे आए हैं। अब तो तसल्ली है गई, हर वक्त मुन्ना के ब्याह की चिंता पड़ी रहती, अब तो खुद ही आए गए देखने बारे। अरे ओ मुन्ना, बाहर तो आइयो। आयो अम्मा। बापू, मैं देखने बारे आए का? हमें बेटा आजा, आजा, आजा मेरे लाल, आजा, 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 आजा बेटे। राम, जी तो बोना है। जी बोना है? ना। वो कौन? ठाकुर साहब, कोई आपके कोई और दूसरा लड़का ना है? अरे साथ जी, तो मैंने कहा बात कर रही, और दूसरा हो तो है। अरे ओ टुन्ना। हाँ माँ। जी है मेरा टुन्ना। बस दो ही लड़का है? हाँ जी, हम तो परिवार नियोजन मानते हैं, हम दो और हमारे दो। आपके रिश्ते नाते में कोई शंकर नाम को छोरा? ना बेटी, हमारे परिवार में शंकर नाम को कोई छोरा ना है।
अच्छा चौधरी साहब, राम राम। राम राम, राम राम। बापू जेऊगे जाको, मतलब हमारी शादी कब ना होगी? अरे चुप बैठा, कब तेरे बाप की शादी भाई? अरे जी साइकिल तो मेरी है, कल एक छोरा किराए पे ले गो, तुम्हें कहा मिली? तुम जानते हो छोरा को? जानते तो ना हूँ, पहचान तू। शहर की बस में से उतरतो है, पैसा दे तो भाड़े की साइकिल ले तो चलो जातो है। अब की बार तो कपड़ा रख गए हो, साइकिल ले गए और लौट के आयो ही ना, कहो तो कपड़ा दिखाऊं? हाँ हाँ पड़ी पकड़ियो ना, आओ दिखाओ। जी रे कपड़ा, शायद यहाँ में तो कोई पता ठिकानों मिल जाए। यहाँ में तो कुछ है तो ना है, जिका लिखो है पता ना है? भैया ने पढ़ियो जिका लिखो है? जामे दर्जी की दुकान को नाम लिखो है भीमा टेलर्स। कौन से शहर को जी देखियो? शहर को तो ऐसा लगत है धुलवे में मिट गया नाम फाम, पता ना चल लो। आसपास के किसी शहर का होगा? आसपास के आप इटावा के हैं ना? नहीं बेटा, हम हाथरस के हैं। तभी तो मैंने कही आपको को देखो जरूर है, हाथरस में ननियाल है। कौन से मोहल्ले में रहती हैं आप? कोतवाली के पास। फिर तो वहीं कहीं देखो होगा। मेरे मामा की लड़की को तो आप जानती होंगी है? क्या नाम है आपको? सलमा। सलमा, अरे बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा नाम है। मेरा नाम है सलीम, सलीम। पान खाएंगे आप? टिकट प्लीज। है तो दिखाइए। अरे भैया हमने कही ना हमारा है टिकट, तुम जब तक दूसरे के चेक कर लो, जाओ जाओ जाओ। कहाँ जा रही है आप? आगरा। चलो अपना टिकट दिखाओ, पहले सबका चेक कर लिया, दिखाइए दिखाइए। अरे तुम अभी सर पे खड़े हो? अरे भाई टिकट है तो दिखाओ, नहीं तो पैसे निकालो। टिकट है तो दिखा दो ना। अब आप कह रही है तो दिखानी पड़ेगी। जैसे ससुर माने को थोड़े ऐसे ले, देख टिकट, देख ये देख टिकट। अरे 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 काट लगो रे, अरे मेरी कट गई रे। अरे चाची, अरे अरे कौन ने मेरा पर्स लिया? अरे कौन ने जेब मेरी काटी है? आगरे को रहने वाला हूँ, एक एक को बता दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा हूँ मैं। हाँ आप पुलिस इंस्पेक्टर के बेटे हैं? बीके मिश्रा के बेटे हैं? आपको चाहिए समझ में? आपको मालूम होना चाहिए कि वो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं और उनका एक ही बेटा है और वो है हमारा दोस्त और उसका नाम है दीपक। चलो उतरो नीचे। देखो 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 तुम क्या समझो हमें, हम झूठ बोल रहे? अरे तुम्हारे वाले बीके मिश्रा दूसरे होंगे, हमारे वाले दूसरे। देखो तुम्हारा इरादा क्या है, चलो उतरो नीचे, ड्राइवर गाड़ी रोको। देखो 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 इज्जत वाले आदमी हम अपने आप उतर जाएंगे। अच्छा सलमा, खुदा हाफिज। अपना नाम सलीम बता रहा था। पान खाएंगे आप? चुप। क्यों बे राजू के बच्चे यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब कुछ नहीं, वो जेब में पैसे खत्म हो गए थे इसलिए लिफ्ट लिफ्ट मांग रहा था। फिर आवाज़ की हवा खाने का इरादा है तो आप बैठ जाओ। नहीं नहीं साहब, बहुत बहुत खा चुका हूँ। सलाम साहब। आप अपना तो साला स्टार ही खराब है, चलो उधर से ट्राई करते हैं। ये गाड़ी को अचानक आग कैसे लगी? ब्रीफकेस? Thank you.
भगवान जरा संभालना। जय हो। कब आया रे तू राजू? अरे माँ अभी आया, बस अभी आया। माँ देख मैं तेरे लिए क्या चीज लाया हूँ। ये देख माँ कितनी शानदार शॉल है ना, अच्छी लगी। फिर किसी की जेब काटी क्या? नहीं ओहो मैं कितनी बार कह चुका हूँ तुझसे, मैंने वो सब धंधे छोड़ दिए माँ। आजकल मैं बिल्कुल शराफत का काम करता हूँ और आजकल कमाई भी अच्छी हो रही है। माँ तू भी अब ये तारों के थैले बनाना बंद कर दे। ये देख 100, 200, 300, 400, 500 रुपए माई 500 रुपए रख ले। तनखा मिली है आज ही। ये रुपये तो अपने पास ही रख, मैं अपना पेट अपनी मेहनत की कमाई से भर लेती हूँ। माँ ये भी बड़ी मेहनत की कमाई है। तूने सच न बोलने की कसम खा रखी है क्या? काम पर जाने वाले सुबह काम पर जाते हैं, शाम लौट कर आ जाते हैं, पर तू तो बिना कुछ बताए गायब हो जाता है और फिर अचानक लौट कर आ जाता है। मेरी प्यारी माँ मेरा काम ही ऐसा है। माँ ये तू भाषण वाषण मत दिया कर, देख मुझे बहुत जोर से भूख लगी, पेट को थोड़ा राशन दे दे। बस सच बात कह दी तो भाषण हो गया। पहले सोचा करती थी कि बहू घर में आएगी तो तेरा भटकना भी कम हो जाएगा, पर अब तो वो सोचना भी छोड़ दिया है। जो तूने माँ की हालत कर रखी है वो बहू की करेगा। कलबुई नास पीटी निकल घर से। अरे कटवाई खानदान की ना, माँ बाप भी तो पहले ही खाई चुकी, अब कब खाएगी? नहीं रहने दूंगी अब तो घर में। निकल निकल चल निकल निकल दिया कि ना, जा कहीं भी जा, चूल्हे में से भाग ना जा। अरे कुआं पोखर नदी नाले बहते रूपानी भरो, चल चल यहाँ से निकल। अरे मैं अभी जिंदा हूँ, मोहित तेरी राखी की सौगंध है। तेरे शंकर को ढूंढने के लिए चाहे मुझे शहर से जाना पड़े, चाहे अपनी जान पे खेलना पड़े, वाई मैं वापस लेके आऊंगा, ये मेरा तुझसे वादा है। मैं बेहिसाबी बात नहीं करूंगा, तू पागल है गोरखा, तो छुट्टी नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहो सेठ जी, या बिचारी गौरी को मेरे सिवा या दुनिया में कोई ना है। अरे मेरे काम को क्या होगा भैया, वापस आके जितने दिन कहेंगे उतने दिन और काम कर दूंगा सेठ जी। और जा जन्म में अगर कुछ दिन बाकी रह गए तो अगले जन्म में मैं आपके वो दिन पूरे कर दूंगा। अपनी समझ में तो कछु नहीं आयो राम, बस एक कमीज है जब पे दर्जी को नाम लिखो है। तू कहां ढूंढेगो वाए, फिर तने तो शंकर को देखो तक ना है, कैसे पहचानेगो? अरे बाबरी, जो बात समझ में नहीं आवे वो इन पे छोड़ देनी चाहिए। जब हनुमान जी सीता जी की खबर लेने लंका गए तब का वो सीता जी को पहचानते, पर ये काम सिद्ध करके ही लौटे। इन पे भगवान श्री राम जी कृपाई और मो पे इनकी कृपा है। वापस कब आओगे भैया?
जब आऊंगो शंकर को संगी लेके आऊंगो। चंपा, मैं या तेरे भरोसे छोड़ के जा रहा हूं या को ख्याल रखियो। और मोए कौन के भरोसे छोड़ के जा रहे हो? तो इनके भरोसे। खुशी हो जाए तो उसे पाने को चल देते हैं, वो है जो समर्पित औरों को भगवान उन्हें बल देते हैं। मुश्किल जो किसी की हल करते उन्हें मुश्किल पेश ना आती है, रास्ते से निकलता मंजिल खुद ही मिल जाती है। उन कामों को कर लेते हैं जिनका होना आसान नहीं। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो अवतार नहीं भगवान। ये भीमा टेलर की दुकान कहाँ है? कमाल है, सहरन में सवाल इंसान थे और जवाब ठंडा पानी। पर सहरन में एक बात कितनी अच्छी है, सीसा के गिलासन में पानी पियावत है। भैया बड़ा अच्छा है, ठंडा पानी पियो ने, तेरा हनुमान जी भलो करे, पियो। ये लो पानी, ठंडा पानी। भैया बड़ा सीरो है, पांच छह गिलास जल्दी पियो। प्यारे, अरे कलेजा सीधो है को लियो। ठंडा पानी। करेजा सीरो है को भैया, हनुमान बाबा तेरी बली करे। ए हनुमान के पुजारी, कहाँ चला? पैसा तो देता जा। पैसा काहे के? हाँ हाँ पैसा, सात गिलास पानी पिया, सत्तर पैसा दे। अरे राम राम राम, पानी के पैसा मांग दो तुम शहर मारे, देखियो नरक में जाओगे, नरक में। चले पैसा, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ले पाँच पैसा ऊपर ले, ले खुश रहे। अरे अरे समझ लो बच्चों, थैंक यू अंकल। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मैं छोड़ देता हूँ। आज चाचा नेहरू जी का जन्मदिन है। हाँ? हमारे स्कूल में फंक्शन है, आप भी आइए ना। हाँ, हाँ। आप भी आइए ना। हाँ हाँ जरूर जरूर आएंगे बेटा, चलो। भीमा टेलर्स, नाम तो कुछ सुना हुआ लगता है। यस सर, उनकी बच्ची तो हमारे स्कूल में ही पढ़ती है। फिर तो बड़ी कृपा होगी साहब, हमें नेक उनको पता बता दो कहाँ है दुकान। हाँ हाँ जरूर टीचर, इनको भीमा टेलर्स की दुकान तक ले जाओ। यस। और सुनो, उनकी बच्ची को भी साथ ले जाना। ओके सर। बड़ी मेहरबानी आपकी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। नहीं भाई, मेहरबानी तो आपकी है जो आपने इस स्कूल के बच्चों की जान बचाई। ये तो मेरा फर्ज है साहब। राम राम।
राम राम जी। भीमा टेलर आप ही हैं साहब? हाँ हम ही हैं, फरमाइए। ये कमीज आपने सी है साहब? हाँ सिली तो हम ही ने, पर क्यों? भगवान आपका भलो करे, अब जाके जे कमीज है वाको नाम है शंकर, वाको पता ठिकाने और बताई दो। भैया पता बताना तो बहुत मुश्किल है, ऐसी कमीज हम रोज बनाते हैं, मगर ये जो है डिस्को शर्ट है। किसको? किसको नहीं, डिस्को जी। ये डिस्को का हो तो है? डिस्को भैया एक किस्म का अंग्रेजी डांस होता है, जो बड़े बड़े होटलों में लड़के लड़कियां नाचते हैं। आप वहां जाइए, वहां जाके देखिए। जाओ भैया, राम राम। राम राम। अरे जरा सुनो तुम्हारी चिट्ठी। पढ़ के सुना दो ना। बजरंग बली की कृपा से भीमा टेलर तो मिल गया है, आगे भी उनकी कृपा बनी रहेगी और शंकर भी मिल जाएगा। तुम दोनों किसी तरह की चिंता मत करना और राजी खुशी से रहना। लल्लू राम। पतो ठिकानो कछु लिखो है? पता तो कुछ लिखा नहीं, छाप आगरे की है। भैया मेरी खातिर ना जाने कहां कहां भटकते हैं और तुम कितनी परेशानी उठाओ। तो बावरी जीजी ते कौन ऐसी बात करते? अब की राखी में भैया ते एक ही चीज मांगूंगी, मैं कहूंगी जीजी को भाभी बनाई दो। या जन्म में तो लगतू है कि ना ही होएगो, चंपा नाम है ना, भौरा चंपा के पास कबो ना आवतू। भैया राम राम। दरोगा जी राम राम। कहाँ जाता है? जी वो नाच घर डिस्को, वहाँ की टिकट कहाँ मिलता है? ये नमूना कौन है यार? कम ऑन यार। क्या चाहिए जी? कछु ना, आप जैसे एक लल्ला को छोरा को देखने आए भीतर। आप क्या चीज है जी? हमारो नाम लल्लू राम है, हम यहाँ नाच घर में जा रहे हैं, ये दरोगा जी जानना दे रहे हमको। अच्छा तो आपको भी डांस का शौक है? ओ नो, इनको कहा है गो? इनको जरा चक्कर आ गया तो लल्लू राम जी को अंदर ले चले। ओ यस, इट विल बी अ ग्रेट फन। आई लल्लू राम जी, बड़े मेहमान। आओ, ये कैसी जगह है? चलो चलो यार। आओ आओ, चलो। अरे आओ यार, डरो नहीं, ये हुई ना कुछ बात। मेरे तो यार अरे दम घोटो जा रहा है। ये क्या कर रहे हो लल्लू राम? आनंद लो आनंद। तुम शंकर की तलाश में आए हो ना? देखो देखो देखो। आप और आपकी पत्नी कितना अच्छा नृत्य कर रहे हैं। इडियट, ये मेरी पत्नी नहीं, मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरी पत्नी तो मेरे दोस्त के साथ डांस कर रही है। जी आप लोगन में पत्नियों की भी अदला बदली हो जाते हैं। शट अप, गंवार कहीं का, हट यहाँ से। चल हट बंदर का। भली बुरी सबकी सुनी, बहुत सहा अपमान, पढ़े लिखन में फंस गयो, मैं मूर्ख नादान। सच्ची कह रहे हो लल्लू राम, मेरे यार बुरो मत मानो। सच्ची कह रहे हो लल्लू राम, मेरे यार बुरो मत मानो। मेरे यार बुरो मत मानो, आयो है अजब जमानो। सरकार बुरो मत मानो, आयो है अजब जमानो। उल्टे है रे सब रे काम, मेरे यार बुरो मत मानो। सच्ची कह रहे हो लल्लू राम, मेरे यार बुरो मत मानो। हाँ
रूपवती ने केस कटाए छोरा जुलप बढ़ाई, रूपवती ने केस कटाए छोरा जुलप बढ़ाई। भाई ते मैं बहन कहूँ या बहन को समझूं भाई, अदला बदली कर रहे यहाँ आपस में लोग लुगाई, अदला बदली कर रहे यहाँ आपस में लोग लुगाई। तुलसीदास ने कल जुग की जेई पहचान बताई, हो गौ धर्म कर्म बदनाम मेरे यार बुरो मत मानो, सच्ची कह रहे लल्लू राम मेरे यार बुरा मत मानो। मीठो मीठो दूध छोड़ के पी रहे कड़वो पानी, मीठो मीठो दूध छोड़ के पी रहे कड़वो पानी। एक नजर नहीं आवर इनमें पानीदार जवानी, फूंक रही सिरकेट छोरियां देख बड़ी हैरानी, फूंक रही सिरकेट छोरियां देख बड़ी हैरानी। अपने रंग ढंग भूल गए जे कैसे हिंदुस्तानी, इनको सदबुद्धि दे राम मेरे यार बुरो मत मानो, सच्ची कह रहे लल्लू राम मेरे यार बुरो मत मानो। शहरन में पीरो पन छायो गामन में हरियाली, शहरन में तो पन छायो गामन में हरियाली। असली रौनक नाय तभी तो मल रहे पाउडर लाली, मुंह में दांतन आत पेट में बाहर भीतर खाली, मुंह में दांतन आत पेट में बाहर भीतर खाली। 65 के ऊपर की मैया नाचे दई दई ताली, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम मेरे यार बुरो मत मानो, ओ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम मेरे यार बुरो मत मानो। जुल्म भयो नारी ने घर ते बाहर पाव निकारो, जुल्म भयो नारी ने घर ते बाहर पाव निकारो। सती भई जब रति पुरुष भयो काम देव मतवारो, गजब कियो या लाजवती ने अपनो बदन उघारो, गजब कियो या लाजवती ने अपनो बदन उघारो। कौन कौन की लाज बचावे काना बंसी बारो, हो बेसर माई है रैयाम मेरे यार बुरो मत मानो, इन सहरन ते अच्छे गाम मेरे यार बुरो मत मानो, मत मानो अरे पहचानो, मत मानो अरे अपने को पहचानो, छोड़ो उल्टे सीधे काम लगता है डिस्को गांव में भी बहुत पॉपुलर हो गया है, ऐसी ऐसी मूर्तियां भी डिस्को करने आने लगी। क्यों गुरु मजा आया? भैया हम यहाँ कोई मजा ले भी नहीं आए, हम तो देदामी गांव से एक छोरा को देख भी आया नाच घर में, शंकर नाम है वाको। शंकर क्या काम है उससे? अजी क्या बता मैं, वो हमारे गाँव गयो और हमारी बहन गौरी को अपने चक्कर में डाल के वापस आ गयो। तो फिर तुम उसके चक्कर में क्यों घूम रहे हो? अरे मारो गोली शंकर को। बस शहर और गाँव की रीति में यही अंतर है,
अब हमारी बहन की शादी होगी तो भाई संग करते, एक बार मिल जाए हमें। अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे? हम वाय अपने कंधा पे धर के बताए रहे हैं, वाय अपने गांव ले जाएंगे और अपनी बहन गौरी तोबा की शादी करेंगे, क्या करेंगे? तो ठीक है, फिर से ढूंढते रहो, वैसे हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ। अरे माँ, ए माँ, क्या हुआ? रात नहीं आया, उसका गुस्सा है ना? माँ वो दोस्तों के साथ होटल में ही रह गया था, फिर खाना भी वहीं खा लिया। क्यों, कंगन बेचकर बहुत पैसा मिल गया? कंगन? कौन से कंगन? अभी मालूम हो जाएगा। आप? दो सितंबर को तुम आगरा रोड पर अकेले घूम रहे थे? अरे नहीं साहब, याद आ गया साहब, लिफ्ट मांग रहा था। और विनोद कुमार ने तुम्हें लिफ्ट दी? विनोद कुमार? कौन विनोद कुमार साहब? उसकी गाड़ी में बैठने के बाद तुमने उसे चाकू या पिस्तौल दिखाकर उसके ब्रीफ केस की तलाशी ली और वो कीमती कंगन हथिया लिए। वेरी स्मार्ट। अरे नहीं साहब। फिर तुमने उसे खत्म करके उसकी गाड़ी में आग लगा दी? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर क्या किया, तुम बताओ? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, आप खामखा मुझे फंसाना चाहते हैं। बगैर एक्सीडेंट के गाड़ी को सड़क के बीचों बीच आग कैसे लग गई? अब मुझे क्या मालूम साहब कैसे लग गई। इसे पहचानते हो? जी नहीं साहब, मैं इसे बिल्कुल नहीं पहचानता। इनकार करने से कोई फायदा नहीं है राजू, यही वो विनोद कुमार है जिनका तुमने खून किया है। नहीं साहब, मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ साहब। जब तक हमारी तहकीकात जारी है तुम आगरा छोड़ के नहीं जा सकते, और रोज शाम को 4 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच के हाजिर देना, समझे? समझा। अंजलि, अंजू, बीकू काका ने तो कहा था कंजू ऊपर ही है। अरे भाई कहाँ हो अंजलि? मैं यहाँ हूँ। लेकिन वहाँ क्यों हैं आप? क्या मतलब? मतलब हम बताते हैं। पहले ये बताइए कि हमारे दिल से बाहर जाने की इजाजत किसने दी आपको? विनोद। सुनो, मैं ऑफिस के किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ। शाम तक लौट आओगे ना? लौट तो आएंगे, लेकिन हमें रिश्वत क्या मिलेगी? हाँ, अंजलि देवी पहले ही अपने आप को आपको अंजलि दे चुकी है, और क्या चाहिए? कुछ बोलते हम? बोल दीजिए। तो सुनो, मेरा एक काम है, जरा यहाँ आना। आपका काम तो करना ही पड़ेगा हुजूर। इन कंगन के कुछ हीरे ढीले हो गए हैं, जरा ठीक करवा के ले आइएगा। मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि शादी के वक्त इन्हें पहनूं। करवा दूंगा मैं, चलूं? हाँ मैं जाऊं? हाँ। क्या हुआ? शादी को 15 दिन रह गए हैं, ये सब शादी के बाद, समझे? चलो। क्या हुआ? चलो। एक थैंक यू। चलो, तुम मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अंजू बेटा, मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूं, आज माजी की हालत बहुत खराब हो रही है। मम्मी दूध पी लीजिए। तुम चाहो मैं दूध नहीं पीऊंगी, तुम सब झूठे हो। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा विनोद जिंदा है। कुछ भी नहीं खाने पीने से कमजोरी बढ़ जाएगी मम्मी, थोड़ा सा पी लीजिए। मेरा विनोद आ जाए उसी के हाथ से पीऊंगी। इसका मतलब मैं आपकी कुछ भी नहीं?
कैसी बात करती है अंजलि। हाँ से कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेट्स प्रे फॉर पीसफुल डेथ। और फिर तुम लड़की हो, अकेली हो, करोड़ों का बिजनेस है, संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। संभाल के भी क्या होगा अंजलि, अभी जख्म भरा है, जब भर जाएगा। मैं आज की नहीं, आने वाले कल की बात कर रहा हूं। मेरी जिंदगी में ना आज है ना आने वाला कल, सिर्फ वो कल है जो गुजर चुका। उस गुजरे हुए कल में जरा गौर से झांक कर देखो अंजलि, तुम्हें किसी ना किसी कोने में रंजीत जरूर नजर आएगा। सुनो, मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूं? नो थैंक्स रंजीत, मेरे पैरों में अभी इतनी ताकत है कि मैं अपना बोझ खुद। जी मैम साहब, आपको कोई दोष ना है, मैं ही हड़बड़ाए गए हो, गांव का हूं ना। क्या नाम है तुम्हारा? जी लल्लू राम। यहाँ कहाँ रहते हो? जी कभी भगवान के मंदिर में और कभी धर्मशाला में रात बिताई लेता हूं। आओ बैठो। जी आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। जी अच्छा। मैम साहब, ये कौन सी जगह है, कहाँ ले आई हैं आप? मेरा घर है, आओ थोड़ी देर के लिए। अंदर आओ। इतनी आलीशान हवेली, इतना बड़ा मकान, जे तो कोई राजमहल लगता। मैम साहब, आप राजकुमारी कोई? जे कौन? देखो तो सही, अरे लट्टू जल रहे हैं। है? अरे हाँ, अरे भैया अंशु बेटा कहाँ है? है जी कहाँ है? है? आज बनगो बना हुआ। अरे मैम साहब, जी फोटो तो बिल्कुल हमारे जैसा लग रहा है, और जी कपड़ा लत्ता कैसे बढ़िया बढ़िया पहन रखे हैं। मैम साहब जी, हमारे फोटो या घर में कैसे आ गए हो? ये तुम्हारा नहीं, मेरे विनोद का है। ऐसा आश्चर्य तो हमने कभी ना देखो मैम साहब, हमें एक बार मिला देना इनते।
ये अब इस दुनिया में नहीं है जी। दिल्ली जाते वक्त मेरे कंगन उनके पास थे, रास्ते में दुर्घटना हो गई, लगता है उन्हीं कंगन ने उनकी जान ले ली। विनोद की माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनके बेटे के लिए तरसती तड़पती वो मौत के दरवाजे तक आ पहुंची है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। हाँ, ये तो बहुत दुख की बात है मैम साहब। उन्हें जिंदगी तो कोई दे नहीं सकता, लेकिन तुम चाहो तो उन्हें चैन की मौत मिल सकती है। मैं समझाऊं ना कुछ मैम साहब? कुछ देर के लिए अगर तुम उनके बेटे विनोद बन जाओ तो। हाँ मैम साहब, हम गांव के अनपढ़ गंवार जे सब कुछ कैसे आ सकता है? ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो। वो ही एक चिट्ठी आई, तेरे पास कोई आई का? नहीं। देख चंपा, छोरी ससुराल गई तो गई, और छोरा शहर गयो तो गयो। जब 6 फिट के हट्टे कट्टे जवाने देख के तेरे मुंह में पानी आ सकता है तो जहर की कोई छोरी लट्टू आ गई होगी। तेरे मुंह में कीड़ा पड़े सेठ, कैसी अनहोनी बात बोल रहे हो? या दुनिया में कोई औरत मेरे राम को नहीं फसा सकत? अरे बाबरी, वो रघुकुल को राम ना है, कलयुग को लल्लू है। मैंने तो बाकी आज छोड़ दी, मैं बेहिसाबी बात नहीं करूंगा, तू भी बाकी आज छोड़ ही दे। क्या कहते मारे? कोई चिट्ठी आई गौरी? गांव वालों की भली बुरी सुनने से अच्छा तो ये है कि हम आगरे चलें। पर चेची, अनजान जगह, वो इतना बड़ो शहर, हम दोनों अकेली, ऊपर से औरत जात। अरे बावरी, तेरे संग मैं हूं और हमारे संग जी। बिल्कुल विनोद लगते हो, जैसे समझाए वैसे ही करना। जी जी, मैं कोशिश करूंगा। और देखो, माजी के पास पहले मैं जाऊंगी, फिर तुम्हें आवाज दूंगी तो चले आना, ठीक है ना? जी ठीक है। जी हाँ। ये क्या मम्मी, आप रो रही हैं? आप कहती थी ना बचपन में आपके बेटे को छुप जाने की आदत थी, छुप कर सबको सता करते थे। देखे ना आपका मेरा क्या हाल कर दिया है। ऊपर से इतने ढीठ है, सुबह सवेरे आकर कहते हैं देखो कैसा डराया सबको। अब सामने आइए। ये देखिए, खतरे की कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था। अगर अचानक की खबर इन्हें दी जाती तो खुशी ट्रेजेडी में भी बदल सकती थी। हे भगवान। अरे राजू, वो पुलिस जिस आदमी के लिए तुझे हैरान कर रही थी वो तो जिंदा है। क्या? हाँ ये देख, उसकी तस्वीर ही छपी है। क्या सोचने लगा? उस भयंकर एक्सीडेंट के बाद वो आदमी बच कैसे गया?
कहीं कोई और चक्कर तो नहीं है? जे देख आगरा स्टेशन आओ उठ को चल ना। आगरा तो आ गए जीजी, पर इतने बड़े शहर में भैया को कहाँ ढूंढेंगे? अरे ढूंढ लेंगे, तू काहे को फिकर करते है? जीजी आंख मारते है, पकड़ पकड़। ए क्यों आंख मारते है? मेरा कसूर नहीं है, इसकी कुछ आदत ही ऐसी है, जहाँ अच्छी चीज देखी चल जाती है। अच्छा मैं जाको चल लो बंद कर देती हूँ, जाते कहो और तो छेड़ न सके। क्यों रे हमको का शहर की लौंडिया समझ रखो है? हम तो तेरी आंख निकाल कर तेरी हथेली में धर देंगे। कौन सी आंख मारी थी बोल, बता बता। मैं काना हो जाऊंगा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हूँ, अगर आपकी तरह इस देश की सारी औरतें हो जाए ना तो इस देश की गुंडागर्दी खत्म। साला जहाँ छोकरी देखी नहीं कुत्ते की बाहर निकाल देता है, चल फट। अरे कहाँ गई? अरे मेरा बटुआ, ए ए मेरा बटुआ ना, ए चल तो, ए अरे मेरा बटुआ। चार रुपए दाग तेरे की, यही में घुसो है, यही घर है जी। हाँ कमीना जी, चार रुपए के कारण तुमने पूरा आगरा घुमा दिया। 150 रुपए होते तो पूरी दुनिया घुमा देती। आरामी जी जी बोलतू है और बटुआ लेके भाग में। जी जी ने बोले तो क्या बोलू, तू ऐसे धंधो कर तो क्यों है? धंधो क्या बताऊं, पहले मेरे साथ एक लड़का था, वो ताली बजाता था और मैं ढोलक, लेकर वो मुझे छोड़कर चला गया। चलोगा? हाँ दीदी, फिर अकेले मैंने बहुत गला फाड़ा, बहुत ढोलक बजाई, बहुत तालियां पीटी, लेकिन लोगों ने कुछ नहीं दिया और फिर हार कर ढोलक खूंटी पे लटका दी और फिर ये ले भागो वाला धंधा शुरू कर दिया। एक काम कर, तू फिर से वही धंधा शुरू कर, हम दोनों नाचेंगे और तू ढोलक बजाइयो। नहीं जीजी। हाँ गौरी, नाचते नाचते गली गली घूमेंगे तो तेरे भैया की तलाश भी हो जाएगी। तीनों का गुजारा भी और ले भागो वाले धंधे से छुटकारा भी, ये हुई ना। Yeah!
मेरा ही नाम राजू है जी, और मैंने ही आपको फोन करके यहाँ बुलाया है। आइए। अगर आप सचमुच विनोद कुमार हैं तो मैंने खामखा आपको तकलीफ दी, और अगर आप वो गांव वाले हैं जो शंकर की तलाश में यहाँ आए हैं तो मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? शंकर मुझे मिल गया है। शंकर मिल गया है? हाँ। जल्दी बताइए ना वो कहाँ है, मैं ये आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हम शहर वाले उपकार, एहसान और मेहरबानी के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो सौदा करते हैं, और शंकर से मिलाने का सौदा 5,000 में हो सकता है। 5,000? पर मैं तो बहुत गरीब हूं साहब। विनोद कुमार बनने के लिए तुमने भी तो कोई सौदा किया होगा, नहीं किया तो अब कर लो। पुमेम साहब बहुत बड़ी आसामी है। नहीं भैया, ना तो मैंने ऐसा कोई सौदा किया है और नहीं मैं करूंगा। तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारी उस बहन का सुहाग मेरी इस मुट्ठी में बंद है, और ये मुट्ठी 5,000 में खुल सकती है। अगर मंजूर है तो बोलो, वरना हवा खाओ। सुनिए, ये सौदा मुझे मंजूर है। नहीं मैम साहब। आप चुप रहिए। अगर किसी की खुशी 5,000 में मिल सकती है तो ये सौदा बहुत सस्ता है। शंकर को लेकर बंगले पे आ जाना, 5,000 मिल जाएंगे। आइए। 5,000? भाई मुझे तो डर लग रहा है। अरे जैसा मैंने कहा वैसा ही बोल देना, कुछ नहीं होगा, चल। अच्छा। राम राम भाई साहब। राम राम। राम राम। बैठ भाई। यही शंकर है? अरे भैया शंकर, तुम कहाँ रहे इतने दिन? बेचारी गौरी कितने आंसू बहाती रही तुम्हारे लिए। गांव की एक सीधी सादी लड़की को तुमने धोखा क्यों दिया? उसे मुसीबत में अकेला छोड़कर क्यों चले आए? जी मैं डर गया था। फिर वापस क्यों नहीं गए? जी वो इसका एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई थी बेचारे की। जी मैं 2 महीने अस्पताल में रहा था, मेरे 10 टांगे आए थे। कौन सी टांग में? जी वो देखिए मैं जरा जल्दी में हूँ। अब आपका तो शंकर आप लोगों को मिल गया, अब आप जानिए और आपका शंकर। जी, मैं वो बात करनी थी। वो तो पैसे लेके चला गया, तुम कैसे जाओगे? हेलो, पुलिस स्टेशन? जी पुलिस किस लिए? अभी समझ में आ जाएगा। जी मैं समझ गया। ये क्या हुआ? वो शंकर नहीं था। शहर में ऐसा भी होता है? शहर में ऐसा ही होता है, तुम शंकर को पहचानते नहीं, बस इसी बात का उसने फायदा उठा लिया। हम सबके लिए खुशखबरी है मम्मी, अभी अभी डॉक्टर का फोन आया था, आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं। बस अच्छे से अच्छा खाना खाइए, टॉनिक पीजिए, आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। बेटी अब मैं मरने वाली नहीं हूँ, मेरा विनोद जो आ गया है। माँ अभी आप 100 साल जिंदा रहेंगी, देखिए। हाँ बेटा, 100 साल तू जिएगा, अंजलि जिएगी। हाय ब्रदर, लंदन से जैसे वापस आया पता चलते फौरन चलाया। कंग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बात बताओ, एक्सीडेंट के बाद तुम कहाँ चले गए थे? हाय रंजीत। हाय अंजलि, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू। उस एक्सीडेंट की याद दिलाकर इन्हें परेशान मत करो, डॉक्टर ने मना किया। आई एम सॉरी अंजलि। अंजलि तुम्हें तुम्हारी खुशी वापस मिल गई ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। Excuse me. Ladies and gentlemen, God bless. आज इस खुशी के मौके पर मैं संजली का दिल खुशियों का तराना गा रहा होगा, और मैं आप सब की तरफ से इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दिल में वो छुपाया हुआ खजाना जरा हमें भी सुनाए। जोरदार तालियां बजाइए। नहीं रंजीत, मैं नहीं गा सकूंगी। अंजू इनकार क्यों करती हो बेटी, गाओ ना।
अगर तुम मिस अंजलि से शादी कर लेते तो करोड़पति बन जाते, कुछ ना कुछ फायदा मेरा भी होता, लेकिन साला मुर्दा जिंदा हो गया, नसीब ही खराब, तुम्हारा भी और मेरा भी। ओ शट अप, मैंने तुम्हें यहाँ नींद की गोली बनने के लिए बुलाया है, ना कि मेरा दिमाग चाटने के लिए। बैठो इधर। ओहो, ये कौन है इस वक्त? हेलो, गुड इवनिंग सेठ, अपुन को पहचाना? अबे पॉल के बच्चे, तुझे कैसे मालूम मैं लंदन से वापस आ गया हूँ? बस मालूम हो गया, वैसे एंड टाइम पर आए हो सेठ। अपुन को एक प्रॉब्लम है, 10,000 रुपए की। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा सेठ, आदमी का खून कर रहे सिर्फ 10,000 रुपए। उल्लू के पट्टे, विनोद जिंदा है। मैम साहब, भगवान की कृपा से माँ जी की तबीयत बिल्कुल अच्छी हो गई है, मुझे छुट्टी दीजिए। छुट्टी? तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, माँ जी को नई जिंदगी भी दी, लेकिन शंकर की तलाश के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। मैम साहब, उसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ ऊपर वाला ही कुछ करेगा। लेकिन ये अगर चले जाएंगे तो माँ जी को क्या जवाब देंगे? भीकू काका, ये झूठ बहुत दिनों तक नहीं चल सकेगा, कब तक रोकेंगे इन्हें? मम्मी के सामने शायद हमें एक झूठ और बोलना पड़ेगा। क्या कहा? विनोद लंदन जाना चाहता है? अरे बाबा, जब तक मैं जिंदा हूं कोई कहीं नहीं जाएगा। तुम दोनों मेरी आंखों के सामने रहोगे। कल ही मैंने पंडित जी को बुलाया था, इसी बसंत पंचमी का मुहूर्त निकला है। लेकिन मम्मी, वो कह रहे थे काम बहुत जरूरी है। देख, तू भी सुन ले और उसे भी कह दे, इसी बसंत पंचमी को शहनाई बजेगी, शादी होगी और तू मेरी बहू बनेगी। यही तेरी माँ का सपना था और यही मेरा सपना है, समझी? अंजू बेटा, बेटा एक बात कहूं? बात बड़ी है, मुंह छोटा है। लल्लू राम को जब भी देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने विनोद बाबू जिंदा होकर फिर से वापस आ गए हूं। बेटा क्या गुण नहीं है उसमें? सच्चा है, भला है, ईमानदार है। आप कहना क्या चाहते हैं? बात कुछ पटपटी सी है, मैंने तुम्हें गोद में खिला के बड़ा किया है। बेटे बुरा मत मानना, यादों के सहारे तो कुछ दिन ही काटे जा सकते हैं, जिंदगी नहीं। माँ जी ने जैसे उसे अपना बेटा मान लिया है, उसी तरह अगर तुम भी उसे अपना विनोद मान लो तो। नहीं, यही एक रास्ता है बेटी, जिससे हम सबकी खुशियां वापस आ सकती हैं। नहीं भीकू काका, ये नहीं हो सकता, ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकती। क्यों रे, ये तो वही कंगन है जिनके लिए पुलिस आई थी। इसका मतलब है कि तू सचमुच खूनी है। नहीं मैम, मैंने किसी का खून नहीं किया, ये तो मुझे सड़क पर पड़े मिले थे। क्या तू झूठ बोलता है? इसी कंगन की जोड़ी के लिए तूने ही विनोद कुमार का खून किया। ये मेरी पकड़ है, कलाई टूट सकती है लेकिन हाथ छूट नहीं सकता। चल मेरे साथ सीधा थाना ले जा। क्यों मैंने इस हत्यारे को जन्म दिया? क्यों जन्म होते इसका गला नहीं घोट दिया? हत्यारा है, खूनी है, हत्यारा है, खूनी है, ले जा इसे, ले जा। ऐसी माँ का ऐसा बेटा? अरे वो तो अच्छा हुआ रास्ते में तेरा दोस्त नरेंद्र मिल गया। खून करने से पहले ये नहीं सोचा एक दिन तू पकड़ा भी जाएगा? तो फिर दिला दो सजा। लेकिन एक बात सुन लो, जिस शंकर की तलाश में तुम यहां आए हो वो शंकर मैं हूं। तू झूठ बोलता है, पहले रुपया ऐंठने के लिए अपने दोस्त नरेंद्र को शंकर बना लाया,
और अब अपनी जान बचाने के लिए खुशशंकर बन रहा है। तो सुनो, तुम्हारे गांव देदामई में किराए की साइकिल लेकर मैं आया था। नौटंकी में गौरी चंपा के पास बैठी थी और फिर जब छुमरू बहरूपिया का तमाशा शुरू हुआ तो हम दोनों उठकर चले गए और फिर मैंने गौरी की मांग में सिंदूर भर दिया। अब भी अगर तुम मुझे पुलिस में देना चाहते हो तो दे दो, मुझे फांसी हो जाएगी और तुम्हारी बहन गौरी, जिसकी मांग में मेरा सिंदूर है, वो बेचारी शादी से पहले ही विधवा हो जाएगी। Yeah.
बेटा बड़ी देर कर दी, कहाँ रहे सारा दिन? राम राम, मैं कब से तेरे पीछे कर रही हूँ, तू है के सुन तू है ना है? ए लड़की, ये कोई राम वाम नहीं, मेरा बेटा विनोद है। अरे वाह, कपड़ा बदल जावे ते का आदमी बदल जाते है, मेरे राम को का मैं नहीं पहचान सकत, ये सब क्या हो रहा है? माँ आप घबराओ मत, मैं इससे बात करता हूँ, मैं तेरा कोई राम वाम नहीं, मैं विनोद हूँ। समझ गई, तेने ये हुलिया जो बदल रही है, बंगले में जो रह रहे हो है ना, अब क्यों पहचाने को हम गरीबन को? और एक हम है कि झूठी आस में तू ही ढूंढ में शहर चली आई, जानतू है मैंने और गौरी ने दुनिया की ठोकरें खाई सिर्फ यही उम्मीद पर कि एक ना एक दिन तू जरूर मिल जावे को, गांव वालों ने तो पहले ही मुंह मोड़ लियो, आज आज तू भूल गए हो। भूल गया? माँ जी क्या हुआ, कौन किसको भूल गया? ये पागल लड़की कहती है मेरा विनोद विनोद नहीं, इसका कोई राम है? हाँ हाँ, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि जय मेरा राम है और मैं यहाँ की चंपा। नहीं तो फिर खा कसम तेरे बजरंग बली की, अगर तू झूठ बोलो तो अपनी बहन गौरी को मरो मुंह देखेगो। तू चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? माँ जी जब बात बजरंग बली की आई है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपका बेटा विनोद नहीं। क्या? मेरा नाम लल्लू राम है। विनोद नहीं है तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? बोलता क्यों नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? माँ जी दिल मजबूत कीजिए, क्योंकि अपना विनोद अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए ये हराम ज्यादा उसका हम शक्ल होने का फायदा उठाकर हमारी अंजलि का धन दौलत मान मर्यादा सब कुछ लूटने के लिए यहाँ पर आया है। नहीं, धोखेबाज, कमीना, जिंदा जिंदा नहीं जाऊंगी, जिंदा नहीं जाऊंगी, माँ जी, मार डालूंगी। हाँ, ये तो अंजलि के कंगन है, देखिए माँ जी अंजलि के कंगन भी मिल गए, इसका मतलब है विनोद का खूनी भी यही है। पुलिस स्टेशन, सुनिए शंकर का असली नाम राजू है और उसकी माँ बहुत अच्छी है, तू गौरी को उसकी माँ के पास पहुँचा। हाँ हाँ पहुँचा दूंगी, पहले जी तो बता ये कतल खून को क्या चक्कर है? आइए इंस्पेक्टर साहब, इनसे मिलिए, ये महाशय विनोद शर्मा नहीं है, ये उनके हम शक्ल है और उनके कातिल भी। जी हाँ, ये देखिए उनके खून का सबूत, अंजलि देवी के कंगन। विनोद कुमार के खून के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। इनको न कहो कोई हथकड़ियां, ये इनके जीत के गहने हैं, पहने हैं अगर ये गहने तो किसी और की खातिर पहने हैं, अपनी ही नहीं उनके सर पे औरों की भी जिम्मेदारी है, जो झूठ किसी को जीवन दे वो झूठ तो सच पे भारी है, इन शीशे कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो अवतार नहीं भगवान नहीं। क्या बात है मम्मी, तबीयत तो ठीक है ना? बेटी वो विनोद नहीं है। कौन विनोद नहीं है? वो जो यहाँ था वो विनोद नहीं है। कहाँ है वो? उसे पुलिस ले गई। लाइए साहब जल्दी से मेरी फाइल दीजिए, दस्तखत कर दो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, खूनी पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया? गॉड ब्लेस साहब, हमने तो आपसे पहले ही कहा था खून करना अपना काम नहीं है। वैसे साहब खूनी है कौन?
उसी का कोई हमशक्ल। ये सब कैसे हुआ? वो कंगन जो मेरे पास थे, हाँ? लेकिन तुम घबराओ मत, शादी से पहले मैं गौरी को विधवा नहीं देख सकता। राजू, गौरी बहुत अच्छी लड़की है, उसने जिंदगी में कभी सुख नहीं पाया। वो तेरी बहुत सेवा करेगी, तेरी मां की बहुत सेवा करेगी, और सच तेरे घर को स्वर्ग बना देगी। भैया, जो तूने उसकी मांग में सिंदूर भरा है ना, उसकी लाज रखना। मगर तुम्हारा क्या होगा? अरे मेरी चिंता छोड़ पगले, गौरी के बारे में सोच, मां के बारे में सोच। बुराई छोड़ते राजू, अच्छा बन जा, इसी में हम सबकी भलाई है। राजू, तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा यह बयान तुम्हारे खिलाफ अदालत में पेश किया जाएगा, तुम्हें फांसी की सजा भी हो सकती है। मुझे सब मालूम है साहब, यह खून मैंने ही किया है। लेकिन कंगन तो उसके पास मिले। उसकी बहन मुझसे प्यार करती है, इसलिए मुझे बचाने के लिए उसने खून का इल्जाम अपने सर ले लिया। तो फिर वो विनोद कुमार क्यों बना? वो खुद नहीं बने, विनोद की मां की जिंदगी के लिए मैंने ही बनाया। आई सी। हाँ? ये सब भैया। गौरी, तू रो रही है? अरे पगली, देख तेरी माँ है। ये तो मेरी हो गई, लेकिन बेटा अदालत में खड़ी होकर गीता पे हाथ रखकर मैं यही कहूंगी कि कंगन तूने मेरे बेटे के हाथ से लिए हैं। नहीं नहीं माँ जी, भगवान के लिए। राम, तू सभी के बारे में सोचत हुए, एक चंपा से एक आध दुश्मनी है तेरी, मां के बारे में कछु नहीं सोचत हूं। मैंने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। क्या? नहीं, ये खून इसने नहीं, ये खून हमने किया है। बाहर आओ। नहीं साहब। चलो चलो बाहर आओ। माँ, ये गौरी तेरी बहू, तेरा बेटा रहे ना रहे तेरी बहू जरूर रहेगी, और जितना मैंने तुझे दुख दिया है ना, ये तुझे उतना ही सुख देगी। माँ, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं, बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन आज जो झूठ बोला है ना माँ, उस पर हजारों सच कुर्बान किए जा सकते हैं। तुझे विश्वास हो ना हो, लेकिन विनोद कुमार का खून मैंने नहीं किया, तो भी आज मैंने यही बयान दिया कि यह खून मैंने किया है। जानती है क्यों? आज अगर मैं ये झूठ ना बोलता तो यह देवता रिहा नहीं होता। भैया। अरे जब खून इसने किया ही नहीं तो सजा इसे कैसे मिलेगी? ऊपर वाले पे भरोसा रख पगली, सब ठीक हो जाएगा। तुमने ठीक सुना पॉल, विनोद जिंदा नहीं है। तुमने अपना काम बिल्कुल ठीक किया। वो सब ठीक है, अब तो मेरा हिसाब चुकता कर दीजिए। यार पॉल, ये तुम्हारा बार बार का सिलसिला खत्म कर देते हैं, एक ही बार बोलो कितना चाहिए तुम्हें। ठीक है रंजीत साहब, तो दे दो 25,000। 25,000? आपको ज्यादा लगे तो अंजलि देवी से ले लूं। पागल हो गए क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूं।
बुलबुल, रंजीत साहब अच्छा आदमी है, अपन भी अच्छा है। पॉल, ये लो। बस 10,000? चलो फिलहाल इसी से काम चलेगा। वैसे आप तो दर्शनी हुंडी हो, जब चाहो कैश कर लो। अच्छा सेठ, गुड बाय। दर्शनी हुंडी। वाले इसको भी सजा जरूर देना। मैम साहब जरा गाड़ी रोकिए। क्यों? देखिए वो कौन पड़ा है। अरे लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है, चलो। गॉड, अरे कौन हो तुम? अपुन का नाम पॉल है मैडम। God, God is great. उसने आपको अपुन के पास भेजा है। मैडम, आपके विनोद बाबू का खून अपुन ने किया है। क्या? हाँ मैडम, उनकी गाड़ी में टाइम बम अपुन ने रखा था। जिस दिन वो दिल्ली जा रहे थे। मैडम, लेकिन तुमने बम क्यों रखा था? रुपयों के लिए। किसने दिए थे वो रुपए? असली खूनी तो वही है। बताओ पॉल, किसने दिए थे? बोलो बोलो बोलो। रंजीत बाबू ने। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए जाने मन क्या वो पॉल मुझे कभी धमकी नहीं दे सकेगा। और वो साला लल्लूराम अब कभी रूप बदल कर विनोद नहीं बन सकेगा। लल्लूराम का एक रूप अभी बाकी है। तुम कमीने, वो अब दिखाता हूं। बहरूपिया तू यहां? ये है मेरे रूप का नमूना। अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो गाड़ी चलाओ।
अंजलि, तुम्हें शायद मालूम नहीं, विनोद का खूनी लल्लू राम लॉकअप से भाग निकला है। वो विनोद का खूनी नहीं है। क्या मतलब? पॉल ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया? यही कि विनोद का खून उसी ने किया है। किसी ने ये काम करने के लिए उसे रुपए दिए थे। रुपए दिए? कोई नाम बताया उसने? विनोद का एक दोस्त है। विनोद को खत्म करने के बाद वो दोस्त मुझसे शादी करना चाहता था। शादी के बाद शायद मुझे भी। लेकिन क्यों? मैं करोड़ों की मालिक हूं ना। ओह, ये गाड़ी इतनी तेज क्यों कर दी? आज मैं बहुत रंजीत। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना? अंजलि, ये भी को पूछने की बात है, मैं तो तुम्हें इतना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे मौका दो ना, तो मैं तुम्हारे साथ जी भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। साथ जीना तो नसीब में नहीं है रंजीत, लेकिन साथ मरेंगे जरूर। क्या मतलब? उस दिन पॉल के हाथों विनोद की गाड़ी में तुमने टाइम बॉम्ब रखवाया था रंजीत, आज मैंने अपने हाथों से इस गाड़ी में टाइम बॉम्ब रखा है। टाइम बॉम्ब गाड़ी में? डर गए? साथ मरना नहीं चाहते? अंजलि, अभी अभी तो तुमने कहा था कि साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। हा? ये क्या पागलपन है? अंजलि गाड़ी रोको, अंजलि गाड़ी रोको, तुम पागल हो गई अंजलि, अंजलि गाड़ी रोको, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अंजलि प्लीज गाड़ी रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। अंजलि तुम पागल हो गई हो? अंजलि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अंजलि अंजलि गाड़ी रोको, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अंजलि प्लीज गाड़ी रोको, तुम पागल हो। जीप रोको, रोको जल्दी। अरे ये तो मैम साहब हैं। मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, ये क्या हो गया आपको मैम साहब? मुझे जल्दी से मम्मी के पास ले चलो। जी मैम साहब। आप अंजू बिटिया की हालत बहुत खराब है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाइए। मैम साहब, जिस धन दौलत ने आपको सुख चैन से जीने नहीं दिया, जिसके कारण आपने अपना विनोद खोया, वो धन दौलत आप मुझे दे रही हैं। मैम साहब, हमने शहर आके इन शहर वालों को धन दौलत के मोह में सबको अशांत देखा, हम गांव वालों के पास तो सिर्फ एक ही चीज है, शांति। ये दौलत लेकर हम उस शांति को खोना नहीं चाहते। मुझे मालूम है तुम्हारे हाथों से इस दौलत का सही इस्तेमाल होगा। मरने से पहले यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अंजलि, भगवान के लिए ऐसी आशीर्वाद मत बोल, अगर तुझे कुछ हो गया तो। मम्मी, मम्मी इनकी तरफ देखिए, ये मेरे विनोद तो नहीं बन सकते मम्मी, लेकिन आपके बेटे बन सकते हैं। मम्मी, ये आपके बेटे, चंपा आपकी बहू। मैम साहब, बस अब ठीक हो जाइए, माँ जी की सेवा तो मैं करूंगा ही। मम्मी, विनोद मेरा इंतजार कर रहा है, अब मैं उसके पास जा रही हूं। प्रतिष्ठा देते हैं, खुद पर्दे में रह जाते हैं, बिछड़े मीत में।
छापे न गए अखबारों में, सीमित वो रहे कुछ लोगों तक, पाई नहीं कीर्ति हजारों में। सच्ची निष्ठा सच्ची मेहनत जाती है किसी की व्यर्थ नहीं, जो जीवन हो अपने ही लिए उस जीवन का कोई अर्थ नहीं। इंसान के काम इंसान कर्तव्य है ये एहसान नहीं।